गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी शरीफ उस्ताद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। कौन सा नगीना है भाई? माशाल्लाह। ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुरुजी है। कौन सा है? गुजरी। गुजरी ब्रीड है जी। तो माशाल्लाह के डिटेल रहेंगी इसकी? ये भाई वजन में तो है, समझ लो अल्लाह आपको ले गिरे 150-155 किलो, मतलब 150 किलो से ऊपर जी। 150 तो मान के चलो, 150 से ऊपर। ओके शरीफ भाई, ये पलाई का काम तो आप करते थे, बेचने का काम कब तो शुरू कर दिया? बेचने का काम ही पहला करता था भाई। अच्छा। हाँ वो तो क्या है, हमारे यावर सेठ है ना। हाँ यावर भाई, उन्होंने एक जगह बकरे रखे थे मऊ में। हाँ हाँ। तो वो बकरा पला नहीं था उन लोगों से ढंग से, तो वो अल्लाह के बंदे ने यावर भाई को लिख दिया था जी कि ये बकरा कोई तैयार कर देगा। तो उसके अब वो गलत अल्फाज बोला था हमने, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। तो उसने बहुत बड़ी बात कर दी थी, तो यावर भाई के साथ में मैं भी था वहाँ पे बकरा रखवाने में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये बकरा अल्लाह करम से मैं तैयार करूँगा और अल्लाह करवाएगा जी। तो बकरा तैयार करा था, अल्लाह ने करवा भी दिया था माशाल्लाह। जब से अपन ने पलाई का काम चालू किया। अच्छा अच्छा। अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का भी बकरा अपन रखते हैं जी जी जी, बेचने के लिए जी जी। अपने खुद का भी पालते हैं और बेचते हैं अपन। तो माशाल्लाह हीरे जवाहरात सब पहना के रखे हैं आपने। हाँ अल्लाह का शुक्र है। ये बकरा अपना ने पाला नहीं है, ये अपना ने लिया था जी जी। ये फोर सेल के लिए। हाँ फोर सेल के लिए बिका हुआ है। ये भी है इसका और काला पंजाबी भी है। प्राइस वगैरह कुछ बताना चाहेंगे? वो तो यार मैं बता दूंगा फोन पे, जो भी भाई पूछो। मेहरबानी करके जो इतना बड़ा बकरा ले वाले भाई वो लोग ही फोन लगाए। सही बात है, तो लोग टाइम वेस्ट ना करें। हाँ क्योंकि भाई इस बकरे की कीमत जो है हर आदमी नहीं दे पाए, हर आदमी नहीं दे पाएगा। और वो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अपने व्यूअर्स जानते हैं जी कितना बड़ा बकरा कितने का आएगा जी जी। सीधी सी बात है, अगर किसी पार्टी का शरीफ भाई बकरा मर जाता है, मान लो आपके पास पलाई पे, तो फिर आप क्या करते हैं उस बकरे का? पहली बात तो देखो, बकरा बीमार हो इंसान बीमार हो एक ही बात है। ओके। ये इंसान को तकलीफ होगी बोल देगा, जानवर को क्या है, बकरा पालने वाला समझता है जी। अपन तो पहले अगर होता भी है बीमार बकरा तो अपन उस पार्टी को बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा बकरा बीमार हो गया है, ये इस कंडीशन में नहीं है। पहले डॉक्टरों को दिखा लेते हैं अपन सबको जी कि ये सही होने वाला नहीं है भाई, अगर आप इसको चाहो तो या तो मदरसे में दे दो जी या आप कुछ भी कर लो। अगर वो कह देते ठीक है जी, मदरसे पहुँचा देते हैं। पहले कभी ऐसी हुआ अपने पास? हाँ हो गया, कई बार हो गया। और मेरे पास क्या कई बकरा वालों का नहीं हो गया। हाँ जिंदा बकरे पालने वाला कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास में बकरा नहीं मरा है या मेरे पास में बकरा नहीं कटा है। अच्छा सही बात है। हर आदमी कोई जितना भी बकरा छोटे से छोटा जी और बड़े से बड़ा बकरा पालने वाला। सही बात है। तो बहुत से लोग शरीफ भाई बोलते हैं भाई गलत है, तो इसके बारे में आपका नहीं, जिसकी जैसी सोच जी, जिस आदमी की जैसी सोच है। कई लोगों को भरने वाले बकरे पसंद आते हैं। ओके। पार्टियों को और कई लोगों को, जैसे आज आप देख लो अल्लाह करम से कई फार्म ऐसे हैं कि वहाँ पर बकरा दो दो तीन तीन साल वो लोग पाल रहे हैं। हाँ हाँ। और वो कहते हैं बकरा मुंह से खाते तो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता है उन लोगों के वहाँ पे जी जी। पर वो लोग भाई ये भी तो कहें जी कि हम बकरे को तेल पिलाते हैं। हाँ। तो वो भी तो एक भराई हो गई जी। सही बात है। आप दूध पिला रहा हो वो भी तो एक भराई हो गई जबरदस्ती। हाँ फोर्स फीडिंग जबरदस्ती। और हमारा ये मानना है भराई कोई गलत नहीं है जी। ये बकरे को अभी हम 1 किलो दाना रखेंगे, ये बकरा उसमें 3 पाव खाएगा और 250 ग्राम फेंक देगा ऐसा। पत्ती हम लोग खरीद के लाते हैं, 500-1000 रुपये रोज की पत्ती आती है हमारा, 1000 की 500 की 1500 की, जैसे बकरे वैसे पत्ती आती है जी जी जी। अब वो उसमें से 150 रुपये की भी नहीं खाएंगे और फेंक देंगे तो उसमें नुकसान हमारा हो रहा है ना। हाँ सीधी सी बात है। तो हम क्या है, जो अगर रख के बैठेंगे तो 15 मिनट में खा लेगा। सही है। और जो हम भर देते हैं तो 1 घंटे में बकरा हमारा कंप्लीट हो जाता जी। तो अब हम उसको 24 घंटे में वापस दोबारा भरते कब है, उसी टाइम पे सुबह। तो भराई में जी और मुंह से खिलाने में ये फर्क है कि वो सुबह शाम रखते हैं और हम लोग एक ही टाइम में भर देते हैं। ओके। तो और भराई में माल ज़्यादा खर्चा होता है मेरे भाई। सीधी सी बात है। भराई जो खैर बड़ा बोल अल्लाह को ना गवारा पूछेगा जी, भराई वही लोग करवाते हैं भराई बकरे की कि जो खर्चा करना जानते हैं। सही बात है। शरीफ भाई जैसे आप पलाई के चार्जेस जो हैं आपके 10,000 से 8,000 जो भी 8 से 10 हज़ार तो इसमें आपको क्या बचता है और बकरे को? मेरे को मिनिमम कम से कम 100 रुपये बचना चाहिए रोज के। रोज के? हाँ आपको मेरे को बचना चाहिए। अगर मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो 7,000 रुपये बकरे को खिलाऊंगा और 3,000 रुपये महीना मेरे को बचना चाहिए भाई। सही है। क्योंकि क्या हम लोग क्या लाट में नहीं पाल रहे हैं। हाँ। 1000 या 500 बकरा है, कोई इतनी जगह नहीं है अपने पास जी जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पालते हैं 10 से 12 बकरे 15 बकरे पालते हैं जी, जितने हमसे संभलते हैं उतने करता है जी जी जी। फालतू हम भीड़ नहीं लगाते हैं। सही बात के उस पार्टी को बुरा लगे या उस पार्टी को बुरा लगे जी जी, अपन सबके बकरों को एक शरीर में खिलाते हैं। सही बात है। इसकी हाइट माशाल्लाह आपने कितनी बताई थी अभी?
हाइट मैंने नहीं बताई आपको अभी तक, अभी सिर्फ इसका वजन बताया मैंने, 150 155। हाइट इसकी 47 उसके भी ऊपर है माशाल्लाह। अगर हिंदी में बोला जाए तो 47.5 इंच 47.5 इंच 47 माशाल्लाह हाइट दिख रही है जी। राजा भाई पकड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कमांड जो है इस नस्ल में अभी सबसे फर्स्ट नंबर हाइट है बकरी की, अभी आपने कमांड दे दी है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हो गया इस लायक। आप लोगों को बहुत सिखा दिया यार मैंने। हाँ लोगों को बहुत सिखा दिया, दूसरे लोगों को बहुत सिखा दिया। सही बात है, यानी वो वाला काम है किसी ने सहारा नहीं किया है ना, कि जिनको अपन ने रास्ता चलना सिखाया वही अपने गली बता रहा है यार। अच्छा वाला काम हो गया है। सही बात है, तो अपन ने अपने घर में बच्चा तैयार हो गया तो अपन इसको आगे बढ़ाए ना। सही बात है, बाहर उधर बांटना बंद कर दिया। आपकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जी, तो आपके पास कॉल भी बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने खाना साथ में खाया जी, तो मेरे सामने ही 2-3 फोन आ गए, तो आप इन फोन से इरिटेट परेशान तो नहीं होते भाई? नहीं काहे के परेशान होंगे यार, देखो आज कोई भी कई लोग ऐसे हैं कि आपने मेरे मसाले की वीडियो डाली जी, तो वो मेरे से मसाले का पूछते हैं कि क्या भाव है, तो मेरा काम है बेचने का तो मैं बताता हूँ जी, मैं परेशान क्यों होऊंगा उनसे जी। अगर 10 फोन आते हैं तो उसमें से अल्लाह करम से 4 जने तो मसाला लेते हैं। सही बात है, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत से लोगों का बोलना है कि भाई ऐसा फ्रॉडिंग भी चलती है हिमालय बत्ती से, आपको वट एवर कोई सा भी मसाला खोल के डाल के अनपैक करके डब्बे में भेज देते हैं। अब असल बात क्या है, हिमालय बत्ती से एक ऐसी चीज़ है कि वो आम बात हो गई है, वो गली गली में जो औरतें बकरी पालती ना वो भी खिलाती हिमालय बत्ती से जी। और हमारा जो मसाला है ना जी, वो आप कहीं भी मुझे लेके बता दो कोई दुकान पे से। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। 20-20 किलो का बैग बन रहा है, 1200-1500-2000 जूट तक का बिक रहा है हमारे कहने, सिर्फ हम 1 किलो मसाला बेच रहे हैं 2000 रुपये का। सही बात है, 1500 से 2000 रुपये का। अभी हम क्या है, हमने एक बात और सोची है जी, कि लोगों को फ़ायदा देना अपने को, तो उसमें अपने को 1500 रुपये किलो का अपन सोच रहे हैं भाव का। सही कि अपने उसमें और प्रॉफिट कम कमाने, 200-300 रुपये अपने को बचते हैं तो अपन वो भी खत्म कर दें। सही बात है, क्योंकि उसमें लागत आपकी ज़्यादा आती होगी। हाँ ज़्यादा आती है ना भाई, अपन उसमें टोटल जड़ी बूटी माल मिला दें। हाँ सप्लीमेंट से क्या होता है, बकरे को है ना अंदर मेंगनी लाल हो जाती है। अब यार मेरे समझता है मकसद यही था। हाँ और मसाले से ये बकरा अभी खड़ा है, ये बकरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे भाई। और अभी जैसा कि लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा इसके जी, कितना तेज माशाल्लाह भाग रहा है बकरा, दौड़ रहा है एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरे में होना चाहिए इतने वजन पे, लोगों का ये कहना है कि भराई वाले बकरे भागते नहीं है। हाँ अब आपने ये क्या देखा कि बकरा पाँव पाँव चल रहा है, घुटने घुटने चल रही है क्या? सही बात है माशाल्लाह फुल एक्टिव है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसका कुछ रीज़न भाई कुछ क्या है, काय का ये इतने एक्टिव कैसे हैं बकरे? जड़ी बूटी खिलाओ ना यार, अपने सारे बुजुर्ग अपने को भी जड़ी बूटी खिलाते थे जी जी। पहला सर्दी जुकाम हो जाती थी तो कुछ भी अपने को घिस के पिला देते थे, जायफल घिस के देते थे, बादाम घिस के देते थे, उस तरीके से इनके लिए भी अल्लाह ने बहुत जड़ी बूटी बनी है। आप लो तो सही। सही बात है, अब आप खाली हवा में तीर चलाओगे कि लोग घरों में मसाला बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे मेरे भाई कभी तूने लिया तो जानता मसाला होता क्या है? सही बात है जी जी। कभी तुम्हारे को वो चीज़ का मालूम ही नहीं है, इल्म नहीं है ना, तुम जबरन उसमें बातें कर रहा हो जैसे आप बुरा मत मानना साहब जी जी जी। आपका काम है शूट करना जी, आपने कभी बकरा को मसाला बना के नहीं खिलाया? सही आप मसाला मेरे से लेके लाओ। सही बात है, बहुत कई मरतबा तो कई बकरे वाले ऐसे हैं, अभी मैं उनका नाम दे दूंगा ना तो अपने आप में सोचेंगे कि यार हमारी इज्जत खराब हो रही है। हाँ वो मेरे से आज आधी रात को पूछते हैं, आज भी अल्लाह के करम से आज भी पूछते हैं। और आप बताते हैं? बताता हूँ, मेरे को उनसे बुराई मैं उनसे नहीं रखता जी, मैं तो जानवर को देख रही हूँ और अल्लाह को देख रहा हूँ। बेशक बेशक, तो ये बेजुबान जानवर इसको अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं दी जी जी। मेरे से पूछेंगे, मेरे को जितना काम याद है मैं बता देता हूँ, वो मेरे से बुरे रखे रखा करो। सही बात, अल्लाह देख लिया। चलिए खैर छोड़ो इस बात, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को बहुत अच्छा नवाजा जब से आपने वीडियो डाली मेरे मसाले की भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कई दुकानदारों की वीडियो डाली है जी जी, पर सबसे अच्छा है तुम्हारा भाई। देखिए भाई रिजल्ट बोलता है बस, और काम बोलता है। आज भी शरीफ भाई ने सिर्फ आपकी बात के पीछे ये भाव कम कर रहा हूँ, आपको किसी ने बोला होगा जी जी कि यार ये महंगा लगता है, ये लगता है, ठीक है अपन उसमें थोड़ा कम प्रॉफिट ले लेंगे जी, अपन 1500 से 2000 के बीच में या ट्रांसपोर्टिंग समेत 2000 रुपये में ले देंगे। हाँ क्योंकि ट्रांसपोर्ट का ही बहुत खर्चा आता है उसमें। अब अगर अपन ने 2000 का मसाला देते हैं 200 रुपये ट्रांसपोर्टिंग के लगते हैं तो 2200 का पड़ जाता है। सही बात, अपन बनते कोशिश ये सोच रहे हैं कि 2000 में पहुँचा के दे देंगे। सही है, ऐसा कर लेंगे जी। बहुत बढ़िया है शरीफ भाई, आपकी पूरी फैमिली है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो सब बकरों में लगे रहते हैं, बहुत सारे मेरे घर में। आप लोग बोर तो नहीं होते ये? अरे नहीं मेरे भाई, बकरा बल्कि बकरा घर में नहीं रहता तो हमको बेकार लगता है, घर खाने को तोड़ता है। अच्छा हाँ, चलिए मैं तो ये सोच रहा था कि आप बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है आपका। नहीं नहीं नहीं, तो ये माशाल्लाह भाई लेवाल जो पार्टी होगी
हाँ, कोई कांटेक्ट कर पाएगी इस बकरे के लिए? मेहरबानी करके मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ, जितने भाई लोग देखो ये चैनल को जी, ये वीडियो को, जो बकरे ले वाले सिर्फ वही भाई फोन लगाए, क्योंकि अपन फालतू टाइम वेस्ट अपना ना करें, ना मेरा करें, ना आपका। बता दी है अपन ने, मैंने बता दिए। शरीफ भाई, इससे पहले भी जो बकरे आपने डाले हैं जी, शूट कराए मैंने जी, वो बकरे बिके हैं नहीं बिके हैं? बेचे ना भाई मैंने। कितने बिके हैं मतलब चैनल जी? मैंने जितने बकरे डाले थे आपका, वो काला पंजाबी पिछले साल आपने डाला था मेरा, हाँ, वो अलहमदुल्ला मेरा इंदौर के इंदौर में बिक गया। अच्छा, यहीं बिक गया? नहीं, बेच दिया था बकरा मैंने। वीडियो के थ्रू बिका? हाँ, वीडियो के थ्रू बिका। वो आपको पहचानते नहीं थे ऐसे? नहीं, नहीं, अपने ने बकरे उनको दिए वो पार्टी को, बाकी वीडियो देखने के बाद में उनके बच्चे और ज्यादा पीछे लगता है, पापा ये बकरा। हाँ, तो वो लोग आए, वो भाई हमारे इंदौर के ही है, बहुत अच्छी कुर्बानी करते हैं, यानी इंदौर में फर्स्ट नंबर पे है वो आदमी अभी। अच्छा, मेरी नजर में जी, तो जी, बहुत सारे हैं अल्लाह के बंदे जी, अल्लाह हर तरीके से उनकी कुर्बानी कबूल करे, परवरदिगार जैसी भी अल्लाह राह पे कर रहे हैं। बाकी वो आदमी आज के दौर में मेरे देखते हुए पिछले साल भी उस आदमी ने कम से कम 20-22 लाख रुपए बकरे लिए जी। चलिए एक बार और बकरा घुमा के दिखा दिए। घुमा के दिखा दे बेटा, चलता फिरता दिखाओ उनको, इधर घुमाओ, चलता हुआ दिखाओ जरा। यस, चलिए ठीक है शरीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादब भाई।